अगर तुम में से बहुत सारे बंदों ने एक खबर तो सुनी ली होगी यार, इस बार हम लोग के सर्वर पे मिस्ट्री शॉप आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। और तुम में से यार बहुत सारे बंदे लोग सोच रहे हो कि हम लोग को यार इलाइट पास भी देखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो में तुम लोग को सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई हम लोग को इलाइट पास देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बंदे के लोगों का यार मुझे कमेंट में ये सवाल आ रहा है, भाई मिस्ट्री शॉप तो चलो आ गया लेकिन इलाइट पास देखने को मिलेगा कि नहीं। मतलब यार बहुत सारे बंदों का यार सवाल आ रहा था भाई आएगा कि नहीं, प्लीज बता दो यार, भाई प्लीज बता दो यार, मैं नंगा होकर नाचने लग जाऊँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस वीडियो में गाइस आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा, साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मदर्स डे इवेंट के बारे में। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज गाइस वीडियो को देख लेना शुरू से लेकर एंड तक। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पता ही है मैं अपनी वीडियो पे रिडीम कोड्स देते रहता हूं, तो अगर गाइस आप लोगों को चाहिए नेक्स्ट वीडियो पे भी रिडीम कोड जैसे मैंने आप लोगों को परसों या नरसों दो तीन दिन पहले वाली वीडियो पे दिया था, तो आप लोगों को इस वीडियो पे 4000 लाइक्स हैं। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? सॉरी 4 तो कम हो गए, आप लोगों को 7000 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो अपडेट है वो गाइस हमारे मिस्ट्री शॉप से है। मतलब गाइस मिस्ट्री शॉप के बारे में तो तुम लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब में, मतलब यार हजारों वीडियो बन गए होंगे कि भाई मिस्ट्री शॉप आने वाला है, आलू ले लो, गोभी ले लो, आलू आएगा, गोभी आएगा, सब आएगा मिस्ट्री शॉप के अंदर। लेकिन गाइस तुम लोगों को एक चीज किसी ने नहीं बताया जो यार मैं तुम लोगों को बताने वाला, मतलब गाइस इस बार यार मिस्ट्री शॉप तो आ रहा है, बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, कहा जा रहा है कि हमारे सर्वर में मिस्ट्री शॉप तो आएगा बट उसके साथ हम लोगों को इलाइट पास डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब हम लोगों को मिस्ट्री शॉप में मतलब यार कुछ घटिया आइटम दे देंगे, आप लोगों को पता ही एक घटिया सा मिस्ट्री शॉप हम लोगों को दे दिया जाएगा। अब देखते हैं गाइस कैसा होता है, इस बार बोल तो रहे हैं बड़ा सरप्राइज है, देखते हैं क्या होता है। अभी पूरा तो नहीं बोल सकते कि गरीना ने ये कर दिया, बट यार जहां तक मैंने सुना है कि आप लोगों को इलाइट पास नहीं देखने को मिलेगा। अब यार इन लोग ये मिस्ट्री शॉप क्यों ला रहे हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता ही हम लोग ने इस बार गाइस बहुत कुछ किया था इलाइट पास के लिए। हम लोग ने गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर स्पैम कराया था, जैसे देसी गेमर हो गया, ये हो गया, परसों हमने लाइव भी की थी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पैम हुआ था, देसी गेमर भाई ने तो कुछ नहीं बोला, बाकी यार तुम्हारा असासिन नयन ने भी कुछ नहीं बोला, तो जो जो बंदे मेरे टेलीग्राम पे उनको पता है, अनग्रेजुएट गेमर ने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, उन्हें चैट देख लिया था जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर, बट यार उन लोगों ने कुछ नहीं बोला उसके बाद भी। ठीक है, क्योंकि गाइस यार उन लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो सब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर घुसे हुए। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता ही है, तो गरीना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो यार इसी को देखते हुए गाइस यार इन लोगों ने गाइस यार क्या दिमाग लगाया कि यार इतना ज्यादा स्पैम वैम हो रहा है आजकल, तो इन लोगों को बच्चे लोग को यार मिस्ट्री शॉप देखे खुश कर देते, तो तुम लोगों को यार इस बार इसलिए मिस्ट्री शॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस यार इलाइट पास नहीं देखने को मिल रहा है जितना मैंने अभी तक सुना है। अब 100% तो श्योर नहीं है, 13 तारीख को कहा जा रहा है, अब देखते हैं 13 तारीख के बाद क्या होता है कि इन लोग हम लोग को इलाइट पास देते हैं कि नहीं। लेकिन गाइस मिस्ट्री शॉप में इन लोग पता नहीं क्या क्या आइटम देंगे, अगर अच्छा आइटम दिए तो ठीक है, नहीं तो गाइस हम लोग को फिर से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार इन लोग इंडियन सर्वर को हमेशा ऐसी यार निपटा देते हैं। मतलब यार इंडियन सर्वर वालों को गधे समझते हैं, लोग सोचते हैं कि बच्चों को ऐसी उल्लू बना देंगे, एक मिस्ट्री शॉप दे देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। गरीना गाइस बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है तुम लोग का यार माइंड को इधर उधर घुमाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का इस बार हार नहीं माननी, हम लोग को जब तक यार इलाइट पास नहीं मिलेगा हम लोग ये करते रहेंगे। मतलब इलाइट पास नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा, तो भाई इनको परेशान करते रहेंगे हम लोग, स्पैम वैम कराते रहेंगे। ठीक है, सबके सब चोर हैं साले। ये तो गया गाइस गरीना की पहली चालाकी के बारे में। अब दूसरी चालाकी गरीना ने एक और की है। बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई आज मदर डे, क्या मदर डे इवेंट आएगा? सुबह से मुझे एक कमेंट आ रहे थे क्योंकि दूसरे सर्वर पे गाइस मदर डे इवेंट में बहुत मस्त मस्त रिवॉर्ड मिल रहा है। आप सामने देख सकते हो ये जो फीमेल वाला बंडल है, ये गाइस मदर डे में फ्री में मिल रहा है, और आप लोग इसका चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को कुछ वाउचर्स मिल रहे हैं और भी मस्त मस्त आइटम्स आप लोग को मदर्स डे इवेंट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो बंदे सोच रहे हैं कि हमारे सर्वर में मदर डे इवेंट आएगा, तो यार हमारे सर्वर में मदर डे इवेंट नहीं आने वाला है। और गरीना ने गाइस इसका क्या बहाना निकाला है, गरीना ने बोला कि तुम लोग को तो हम मिस्ट्री शॉप दे रहे हैं। भाई तो क्या हुआ मिस्ट्री शॉप दे रहे हैं, दूसरे सर्वर पे गाइस हर मंथ मिस्ट्री शॉप में आते हैं, और आप ब्राजील पे देख लो, पिछले मंथ भी आया था, उससे पिछले मंथ भी आया था, और अभी भी मिस्ट्री शॉप आया है। तो भाई यार मतलब ये तो भाई यार मतलब कुछ भी गरीना वाले दिमाग लगाते हैं कि भाई हम लोग को एक मिस्ट्री शॉप दे दे और एक दो इवेंट हमारे सर्वर से निकाल दे। मतलब मिस्ट्री शॉप्स के साथ हम लोग को भी भाई मदर डे इवेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि आज मदर डे इवेंट है और मुझे लगता नहीं कि अब यार मदर डे इवेंट आएगा। मतलब कल तक तो मुझे लगता नहीं आएगा, आना होता तो यार आज हमारे सर्वर पर आ जाता। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे देखो यार हम लोग को ये सब रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम लोग यार इंडियन सर्वर के हैं, हम लोग ने कुछ पाप किया गरीना फ्री फायर के खिलाफ। ठीक है, गरीना वाले हम लोग के सर्वर पर नहीं देते हैं कुछ भी, तो मदर डे इवेंट भी यार हमारा कैंसिल कर दिया गया है। अब बचा यार रमदान इवेंट, तो रमदान इवेंट में भी हमारा मैजिक क्यूब गायब कर दिया गया। बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे थे कि भाई मैजिक क्यूब आएगा कि नहीं, क्योंकि रमदान इवेंट में बहुत सारी वीडियो बनी है कि मैजिक क्यूब मिलेगा, अब यार रमदान इवेंट में भी मैजिक क्यूब गायब कर दिया गया। तो मतलब सब चीज से अच्छे अच्छे आइटम हमारे सर्वर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यार बहुत कुछ है गाइस, गरीना की नाइंसाफी देखोगे दूसरे सर्वर पे तो यार मैजिक क्यूब मिल रहा है, और मिस्ट्री शॉप क्या भाई यार, मिस्ट्री शॉप इलाइट पास उन लोग के सर्वर पे दो दो डिस्काउंट इवेंट दे रहे पर मंथ, हम लोग को एक बार एक चीज देकर सारा इवेंट हमारे सर्वर पे हटा दिया जा रहा है, तो क्या ही बोले। मतलब देखते हैं 13 तारीख को हमारे सर्वर पे कैसा दिया जाता है, अगर गंदा दिया जाए तो फिर तो हम
लोग फिर से स्पैम वैम कराना शुरू कर देंगे। तो यार मेरे को आप लोग का साथ चाहिए, बाकी यार आपकी मर्जी, अगर आप लोग करना है तो सपोर्ट करो, क्योंकि मैं तो गाइस यार आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग को ये बात पता होगी। हमारे चलते गाइस यार आप लोग को इस बार का मिस्ट्री शॉप भी देखने को मिला। अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट करते हो तो हम लोग यार आगे पे क्या पता गिरना थोड़ी थोड़ी कर करके सुधरे, लेकिन मेरे को चांसेस कम लगते हैं, बट फिर भी हम लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो ये तो हो गया इलाइट पास यार मदर डे इवेंट के बारे में। बात करते हैं गाइस हमारे सेकंड अपडेट के बारे में। तो यार सेकंड अपडेट हमारे गेम पे आने वाले बिल्कुल ही बिल्कुल न्यू फुटबॉल टी शर्ट के से है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम पे गाइस यार एक फुटबॉल का टी शर्ट आने वाला है, जिसको देख के मतलब एडम भैया बहुत खुश हो गया था जब उसने यार मार्केट में ये एड मतलब स्टोर पे देखा ये वाला टी शर्ट। तो यार एडम की चड्डी फट गई थी, मतलब क्या ही बोले। तो एडम ने यार उसी टाइम इसको खरीद लिया। तो आप देख सकते हो एक जूता भी आने वाला है, जो गाइस यार काफी ओपी है, और एडम ने अपनी वीडियो बना के भी भेजी जूता और यार ऊपर का एक टी शर्ट, ठीक है। और ये जो टी शर्ट है गाइस यार आप लोग का जो आपने देखा होगा पीछे, ये गाइस यार हमारी जो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते हो तो गाइस यार उन बंदों को पता लग गया होगा कि कौन से क्लब की है, ठीक है। तो ये गाइस यार टी शर्ट आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को पता ही है गरीना फ्री फायर में फुटबॉल ड्रेस का भी गाइस यार काफी ज्यादा क्रेज है, तो इसमें भी गाइस यार आप लोगों के बहुत सारे डायमंड्स उड़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं गाइस यार हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट हॉप इवेंट के बारे में। तो यार बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे थे कि भाई नेक्स्ट हॉप इवेंट क्या हो सकता है, तो यार थोड़ी थोड़ी सी लीक्स मिली है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो हमारे गेम पे जो नेक्स्ट हॉप इवेंट होगा वो गाइस यार कहा जा रहा है रमदान के इवेंट में बेस्ड होगा। जो गाइस यार मैंने आपको फेथ के आइटम दिखाए थे, आपने देखा होगा एक ग्रीन ग्लू वॉल होगा, एक ग्रीन गाड़ी की स्किन, तो ग्रीन ग्रीन जो आइटम थे ग्रीन कटाना, तो इनमें से गाइस यार कोई आप लोगों को टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है रमदान इवेंट में, क्योंकि बेस्ड है जिसका नाम कुछ यार फेथ इवेंट है, आप लोगों को बात पता होगी, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में वो दिखाया था। तो वो गाइस यार आप लोगों को गाइस यार टॉप में देखने को मिलने वाला कहा जा रहा है, ठीक। और अगर गाइस सेकंड जो टॉप इवेंट है जो गाइस आ सकता है, कहा जा रहा है कि पेट टॉप इवेंट जो आप लोग का मोनी पेट है, ठीक है गाइस, उसका गाइस आप लोगों को टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है। उसकी गाइस आप लोगों को पेट की स्किन भी देखने को मिलेगी और पेट का गाइस इमोट भी देखने को मिलेगा। तो ये दो तीन जो मैंने आपको बताया, एक तो फेथ इवेंट आपको पता ही होगा ग्रीन ग्लू वॉल, तो आप लोगों यार शायद आपको याद ही होगा ग्रीन ग्लू वॉल ग्रीन गाड़ी की स्किन, इसलिए मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार यार वो दिखा दिया और बहुत सारे लोगों ने उसको कवर भी ऑलरेडी कर दिया, तो आपने देखा ही होगा जिसमें ग्रीन ग्लू वॉल है, ग्रीन गाड़ी की स्किन है, ग्रीन कटाना है, ग्रीन वाला एक बंडल है, तो वो सब गाइस उसमें से मेरे को लगता है देखो बंडल तो आएगा नहीं, आएगा तो गाड़ी की स्किन आ सकती है या फिर ग्लू वॉल आ सकता है या फिर कटाना आ सकता है, ये सब टॉप में आते हैं। और दूसरा आप लोग का ये जो पेट वेट है इनमें से कुछ आ सकता है, ठीक है, कहा जा रहा है ये 70-80% कन्फर्म है, क्योंकि गाइस यार रमदान पे बेस्ड है, तो मुझे लग रहा है रमदान पे बेस्ड वाला ही आएगा जो फेथ वाला है, ठीक है। बात करते हैं गाइस हमारे टुनाइट अपडेट के बारे में कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोग कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखो अभी तक की जो लीक्स है वो गाइस 100% कंफर्म नहीं होती, आप लोगों को पता है 50% कंफर्म होती है, ये गाइस अभी आप लोग कोई भी 100% कंफर्म नहीं बता पाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक की जो लीक्स मिली है उसमें कहा जा रहा है कि आज रात के 12 बजे गेम पे गाइस आप लोग कोई भी इवेंट नहीं देखने को मिल सकता है, चांसेस यही बन रहे हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत दिनों से गाइस लगातार इवेंट्स आ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो गरीना वाले शायद सोच रहे हैं कि आज रात के 12 बजे आप लोग गेम पे कोई भी इवेंट ना, ठीक है, जहां तक अभी तक की जो लीक्स मिले वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको 100% कंफर्म न्यूज जाननी है तो 9:30 में अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ढाल देता हूं जो भी 100% कंफर्म न्यूज रहती है, ठीक है। तो आप लोग गाइस रात के 9:30 में अपने मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर आप लोग को दिख जाएगा कि रात के 12 बजे क्या आप लोग को देखने मिलने वाला इवेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस फाइनल अपडेट हमारी गाइस जो M187 की ग्रीन वाली स्किन है उससे, तो गाइस आपको बताइए हमारे गेम पे ग्रीन वाली M187 की न्यू स्किन आने वाली है। तो गाइस बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे भाई किस इवेंट में आ सकता है, तो गाइस देखो इसकी लगभग 80-90% कंफर्म लीक्स ये नजर आ रही कि आप लोगों को रोल द डाइस इवेंट में देखने को मिलेगा। अब रोल द डाइस इवेंट में आप लोगों को पता ही है यार उसमें यार आप लोगों को रोल करना पड़ता है डाइस को, लूडो वाली डाइस होती है, और जो यार आप लोगों का 4-5 नंबर आते रहता है, मतलब कुछ नंबर आ गया, कभी आपका 4 आ गया, 6 आ गया, तो आप लोगों का यार एकदम गाइस एक डब्बे के अंदर वो रोल रुकाना पड़ता है, ठीक है, आप लोगों को ये बात पता ही होगी, आपने देखा ही होगा रोल द डाइस इवेंट। तो यार उस इवेंट में कहा जा रहा है कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गाइस यार ये जो M187 की स्किन आती है ज्यादातर यार जो भी न्यू आती है वो रोल द डाइस इवेंट में ही आती है, क्योंकि यार उसमें बहुत सारे डायमंड उड़ते हैं और गरीना वाले गाइस यार दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं कि वो लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी वाले इवेंट में जानबूझ के देते हैं। ये जो बड़े बड़े इवेंट है लोकेश अंबानी इवेंट कहलाते हैं, आप लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी में गाइस आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा जहां तक मुझे लीक्स मिला है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।